क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वर्षेल, प्रणय, प्रतीक, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसन बा सर? सब मस्त क्या हाल में, चाल मजे में, दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त मजे में। साधना, अनु, अंकित, प्रगति सर, कैसन भा? एकदम मस्त भा। भा नहीं भा, भा बोलते भा। जतिन अग्रवाल, सिद्धक, राधे राधे, साक्षी बत्रा, आशीष, नाइस बैकग्राउंड सर। आप 30 वर्ष तक कोर्स कंप्लीट करो, नलायक, बहुत बड़ा नलायक है प्रतीक सिंह। खराब बैकग्राउंड है, स्टॉक मार्केट छे सर, मेरे को 0 लाइफ दिख रहा है। नहीं ठीक है, वो ऐप में इशू होता है सर। अब की बार 90 पार सर, सॉरी सर, कल के लिए नहीं, कोई बात नहीं। दिनेश अग्रवाल, हेलो, ऑलवेज स्माइल सर, अभी खाना बना के आया हूँ, लेट तो नहीं हुआ? नहीं, खाना अकेला अकेले अकेले, बुल वर्सेस बियर। नमस्ते वंश, फ्यूचर सी ए बुलिश, लो लोकोश, लोकोश हीना स्कैम, 1992 इज ग्रेट सर। हाँ वो देखना है, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं अपने पास, वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आज, वो एक अलग लफड़े हैं। मैं दो चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, दो चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ सर। मेरी क्वेरी नहीं बताए नरेंद्र कुमार, क्या पूछा है क्वेरी बेटा, एक बार वापस पूछ ले सर। आपका गुस्सा काफ़ी अच्छा निकला हमारे लिए। नहीं सही है, गुस्सा करना पड़ता है। अरे तुम सामने लाइव क्लास में होते तो और ज़्यादा खतरनाक गुस्सा। गुस्सा ज़रूरी है, गुस्सा कई बार ज़रूरी होता है, हर बार प्यार से काम नहीं होता है। हेलो सर, रुको सर, बंदोबस्त करते हैं सर सब्सक्रिप्शन का। नहीं, वो जियो का है मेरे पास, 2-3 दिन से रेंज नहीं थी इसलिए इशू हो रहा था, वैसे तो है नहीं। मैं ही धीरे बोल रहा हूँ कृष्णा, मैं ही धीरे बोल रहा हूँ, ओमकार, सॉरी ओमकार, मैं ही धीरे बोल रहा हूँ। नहीं, स्टॉक मार्केट की क्लास का अपडेट देना। दो चीज़ें आपके लिए आने वाली, दो खास चीज़ें आने वाली आपके लिए, दो चीज़ें जो आपके लिए मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो ये बेटा कि जो रेगुलर टाइम पे जो चीज़ें चल रही, जो कहानी चल रही है वो वैसे ही चलने वाली है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया आपका तो उसके बाद क्या स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए रिविजन। ये क्या हो गया? बारिश है बेटा यहाँ पे, दोस्तों बारिश है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। आई एम ग्रेट श्रेयस, काफ़ी दिनों बाद दिख रहा है सर। आप अलग अगले साल दिल्ली आएंगे? पता नहीं, बीसीके का बुल बियर याद आ गया बैकग्राउंड में सर। अपना बुल और बियर अलग रहता है, बियर से याद आया, बियर सिंह का है। अच्छा जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप दोस्तों। मैं दो सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, दो सीरीज़ क्या है, यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश है आंध्र में, तो हो सकता है कि आर्मी या एनडीआरएफ, नेशनल वो क्या बोलते हैं, हाँ एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ सकता है। फेस टू फेस तो वैसे पूरे इंडिया में मुश्किल है बेटा, फेस टू फेस मैं आपको पहले ही बता दूँ, पूरे के पूरे इंडिया में मुश्किल है। तो आप
पेन ड्राइव के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे। मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ क्या चांसेस लग रहे हैं आपको। मैं आपसे खुद ही पूछना चाहता हूँ क्या चांसेस लग रहे हैं आपको कि वैक्सीन कब तक आपके हाथ में आ जाएगी। एग्ज़ाम का रिजल्ट तो फेब तक आ जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है वैक्सीन तब तक आपके हाथ में आएगी? तो भैया कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट अलाउ नहीं करने वाला, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। ये देखो इन्होंने सुपर चैट है, इन्होंने पे करना चालू कर दिया। यश गुप्ता थैंक यू, आदर्श रंजन थैंक यू सो मच, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सर उत्तर प्रदेश में हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आई नो, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। बहुत बड़ा बारिश का उन्होंने अलर्ट जाहिर किया है। अच्छा जी चलिए जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं आएगी या नहीं ये पता नहीं है अभी, नहीं आएगी या नहीं। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सी बात है। बात इतनी सी है कि आपको क्यों लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करने वाले हैं, और मेरे को बताओ कि वैक्सीन नहीं आ रही। चलो वैक्सीन आ भी गई, वैक्सीन अगर आ भी गई तो आपको क्या चांसेस लगते हैं कि आपके पास फेब में पहुंच जाएगी? आप यहाँ पर बैठे और बाजू वाला बंदा अगर बीमार पड़ गया, आपको 5 दिन बाद पता चल रहा हो बीमार है, हाँ, और आपको पता चल रहा है कि 5 दिन से मैं उसके साथ बैठा, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? जितना पैसा बचाओगे ना उससे डबल बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ आप एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि ऑनलाइन क्लासेस करनी, इसी तरीके से लाइव अपन बात करा करेंगे, पर नॉन टेक्निकल डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन यस थैंक यू, टेक्निकल डिस्कशन वी आर गोइंग टू डू इन द पेन ड्राइव इटसेल्फ, लाइव लेक्चर्स इटसेल्फ, पर ये बेटा अलग रहेगा, आप लोगों को आज से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब बात सुनिए ना, मैं आपके लिए खास, मेरे को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मुझे CA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं खास आप लोगों का ध्यान रखते हुए, सर वो इस साइन वाली क्वेरी, ई साइन वाली क्वेरी ना, तो वो क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर पे कॉल लगा, एक आंटी से बात करना पड़ेगा, वो कॉल सेंटर वाली आंटी। आईज को हार्म होता है पर जिंदा तो रहोगे ना बेटा। अमरेश देव हेलो, तो मेरी बात सुनिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए दो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। पहली चीज़, मैं आपको दोपहर के टाइम पे, वैसे आपको पता होगा ट्रेडिंग आवर्स क्या हैं, आप लोगों को पता होगा 9:15 से 3:30, तो उस टाइम पे आपकी मार्केट की क्लास रखा करूँगा जो अल्टरनेट डेज रहा करेगी, हफ्ते में 3 दिन रहेगी, तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको इन्वेस्ट करना भी सिखाऊंगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप में से हर कोई 5 पैसा पे अपना अकाउंट खोले। अब रीज़न क्या है 5 पैसा पे खोलने का, कि भैया तुम 300 रुपये डालो तुम्हें 500 रुपये ट्रेड करने को मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं भी इस लैपटॉप के ऊपर जब तुम्हें 5 पैसा का प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा तो बेसिकली तुम्हारे को भी सेम इंटरफेस जाएगा, तुमको भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। फेस टू फेस आई एम परचेसिंग लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप ले लें? आप लैपटॉप की भी घाई गड़बड़ मत करो, हो सकता है कि हम आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड करें, या हो सकता है मोबाइल पे तो ना दिखेगा, हो सकता है लैपटॉप भी आए। प्लीज़ अभी लैपटॉप के बारे में आप मत सोचिए, प्लीज़ हम बहुत अफोर्डेबल रेट पे देने की सोच सकते हैं उसके बारे में, तो आप प्लीज़ ना सोचिए लैपटॉप खरीदने का। पुनीत दुबे और बाकी लोग अभी आप मत करिए, आंटी कॉल नहीं उठाती, कम से कम टाइम पास हो जाता है, हाँ ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या लेकर आ रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम की सीरीज़। तो हर्षद मेहता हो गया, फिर उसके बाद जितने बड़े स्कैम हुए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हर्षद मेहता का तो खैर आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, लेकिन विदाउट मसाला 30-40 मिनट्स में वीक में एक बार आपको ये सीरीज़ मिला करेगी, तो आपके लिए नॉलेज भी बूस्ट होगा और आपको मज़ा भी आएगा कि भैया ऐसे ऐसे भी स्कैम होते थे। तो हो सकता है वो सेशन ड्राई भी जाए, हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग भी बने, कुछ भी हो सकता है। फिर देन वी विल टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ सर्टन कंपनीज। तो ये दो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, शुरुआत करने वाला हूँ, हमेशा चलेगा। आप लैपटॉप के बारे में बेटा अभी ना सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, कुछ हम हैं आपके लिए बैठे हुए। आपको क्यों लगता है कि आप अकेले हैं? बीच मझधार में कभी नहीं छोड़ेंगे हम आपको, सारा का लेकर आएंगे। बड़े बड़े स्कैम्स इंडिया में भैया, लाइक तो 58 ही हैं, कंजूस लोगों लाइक तो 58 ही हैं, ठीक है। लाइव ही करेंगे उसको, सीखेंगे अपन। हो सकता है मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, 3 दिन पहले नोटिफिकेशन दे दूँ कि भैया ये चीज़ आने वाली है आप लोगों के लिए, ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को भी कुछ नॉलेज हो, आप भी मुझे इनपुट दीजिएगा। तो मैंने जैसे क्रिएटर ग्रुप बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया मैं क्रिएटर ग्रुप बना रहा हूँ, उस क्रिएटर ग्रुप पे मैं जो जो चीज़ें लेने वाला रहूँगा उसका प्रोटोटाइप डाल दूंगा, आप अपना इनपुट भी उसमें दे सकते हैं।
सर क्या ऑसम रहेगा, मेरे को हमेशा इंटरेस्ट रहा है। स्कैम स्कैम सबको अट्रैक्ट करते हैं, स्कैम अट्रैक्ट करते हैं भैया जिंदगी में। स्कैम करना तो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के ऊपर का करने का, उससे नीचे का स्कैम नहीं करने का, नहीं तो लोग बेइज्जत नज़रों से देखेंगे, अरे क्या सीखेगा रे तू, 200 करोड़ का स्कैम क्या, चल हट हमारी लाइन में मत खड़ा हो। नीरव मोदी का, किंग फिशर का, बहुत सारी चीज़ अपन पढ़ेंगे हम उसको। मोर ओवर यूट्यूब के वीडियोज़ भी उसके अंदर डाल के उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे अपन। हाँ जी, तो कंजूस लोग हैं, ठीक है कोई बात नहीं भैया, कंजूस लोग कहाँ जाएगा, तुम्हारी जेब से पैसा थोड़ी जाता लाइक का। एनीवेज तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो खैर हमें 20 दिन मिल गया है, तो हम हमारी पढ़ाई का जो लेंथ चल रही थी, लाइन और लेंथ चल रही थी, वही लेंथ चलने देंगे ज़रूर। और एक्स्ट्रा टाइम में मैं आपके लिए डबल मेहनत करने वाला हूँ, मैं एक स्टाफ रख रहा हूँ मेरे अंडर जिसको मैं अच्छा पे करूँगा, आपसे तो मैं कुछ चार्ज नहीं करता हूँ, बस यही है कि आप 5 पैसा में अकाउंट ओपन कर लीजिए तो मेरे को ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और सेकेंडली मैं 5 पैसा के एडवाइज़र्स को भी बुलाऊंगा यहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। नहीं बेटा अब तक तो पेड का कुछ सिस्टम नहीं रखा है, जो चीज़ तुम्हें दूंगा वो पेड नहीं है, और जो चीज़ पेड वाली रहेगी वो आपको बता दूंगा मैं, ऑब्वियसली वो मेंबर्स के लिए रहेगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा, पहले से ही बता दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कोई भी हिडन चीज़ है, पर पहले सीखेंगे ठीक है। एसेट का अलोकेशन कैसे करते हैं, पैसे का अलोकेशन करते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा जैसे ही आपकी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम हो जाती है, हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉस्टिंग और एफएम, मैं ही आपका कॉस्ट और एफएम ये दो सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दूंगा, रिजल्ट आने तक आपके दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। प्लस वी आर गोइंग टू डू सम ट्रेनिंग कोर्सेज वेयर बाय वी विल ग्रूम यू, हम तुमको बिग फोर लाइक बनाएंगे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यही चैनल पे, यही चैनल पे नहीं, सीए कपिल गोयल ऑडिट डिस्कशन ये चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक टाइम बाद आपको ये सारी चीज़ें जो इंटर से रिलेटेड है, मैं हमारे मेरा अपना ही चैनल कह सकता हूँ, कपिल सर का चैनल यानी मेरा ही चैनल हो गया एक तरह से, तो वो चैनल पे हम शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत चीज़ देखने को मिलेगी। कपिल गोयल सर को 10 साल का ऑडिट का एक्सपीरियंस है, बाप टीचर है वो इसके अंदर, तो आपको अपने कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस भी बताएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यस सर, ओमकार ट्रेडिंग के लिए फाउंडेशन इंटर ज़रूरी नहीं है ब्रो, कभी भी कर सकते हैं। यस सर, लैपटॉप कैसे प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को, बेटा हम तुमसे पैसा लेंगे लैपटॉप का, बट अगर हम बल्क में लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिलेगा ना, हमको डिस्काउंट मिलेगा, हम उसी के अंदर एनक्रिप्ट करके सारी चीज़ें दे देंगे, वो सारी चीज़ें बाद में, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए। लैपटॉप वाला ये पॉइंट बताया कि आपको हम पूरा का पूरा अगर आप कोर्स लेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस में, या फिर हम लोगों को तो भैया हम बल्क में लैपटॉप परचेज़ करते हैं, 100-100, 200-200, 500-500 लैपटॉप परचेज़ करते हैं, तो आप लोगों को जो कॉस्ट में आए वो कॉस्ट में दे देंगे। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे 40,000 का देगा, हो सकता है उतनी रिक्वायरमेंट की आपको ज़रूरत नहीं, हो सकता है कि 20,000 वाले लैपटॉप से भी आपका काम हो जाए जो हमको 18,000 में मिले, तो हम आपसे चार्ज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट फ्री, बेटा कोई गिव अवे नहीं है, बाबा जी की दुकान तो है नहीं, बट आप लोगों को वो कम से कम रेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाएगी। वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट। सर अभी आ जाऊँ क्या घर लेने के लिए, घर कौन सा रे घर, सर मुझे भी लैपटॉप लेना है। नहीं नहीं ज़रूर हम आपके लिए करेंगे। अच्छा किसी ने मेरे लिए स्कैम 1992 का प्रबंध कर दिया है, धन्यवाद जी दोस्तों। वैसे मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे सारे के सारी चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है स्टिल। ओके जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कल थोड़ा बहुत देखा होगा। सर एप्पल का मैं चाहता हूँ, एप्पल पे कोई भी लेक्चर नहीं चलते, कोई भी टीचर के लेक्चर एप्पल डिवाइस पे नहीं चलते हैं, तो ये चीज़ भूल कर भी मत कर रहा कि तुम एप्पल डिवाइस ले लो। टेक्नोलॉजी विंडोज़ और एंड्रॉयड से कंपेटिबल है, मैं पहले ही बता दूँ। नहीं पिकासो नहीं है, मूवी करके तू भी कुछ तो भी है। सर मैंने आज ही देख लिया स्कैम 1992। सर मैंने तो ले लिया था लैपटॉप, एप्पल लिया निधि एप्पल का लिया। यस सर, थैंक यू गाइस। चलिए जी शुरू करते हैं हम हमारे मेन सब्जेक्ट की, मेन टॉपिक की, कोर टॉपिक की। तो भैया शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जैसे ही 100 लोग, मैं आपको बताता हूँ मेरा भी एक टारगेट है, मैं कम लोगों को तो नहीं पढ़ाता हूँ कभी भी, मेरे को नहीं पसंद आता कम लोगों को पढ़ाना। जैसे ही 100 लोग के 100 लोग प्लस सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, मैं तुरंत आपका एक्टिवेट करवा दूंगा शेयर मार्केट का कोर्स। उससे पहले मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं है, 100 से कम बच्चों को पढ़ाने में मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। तो फटाफट आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, हो सके तो फ्री अकाउंट ही रजिस्टर कर लीजिए, आपको कोई अगर मान लो पेमेंट नहीं करना है उसमें तो आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इतना उनसे बात कर लिया, आप इतना कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। बेटा अगर आप
25 साल के हो जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे अब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कम पैसे में तुम लर्न कर सकते हो, तुम्हारा पैसा डूबेगा भी। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुम यहाँ पे जितना अर्न करोगे हो सकता है उसका 50 से 60% डूबेगा भी पैसा, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। पर अपन सीखेंगे, हर चीज़ की एक कीमत रहती है। स्टॉक मार्केट में कीमत मतलब क्या बेटा, लॉस आपका, तो लॉस भी होगा लेकिन सेम लॉस मेरे साथ होगा। हम क्या करेंगे, आप सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर सेम एक प्लेटफॉर्म ओपन होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, एक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, वैसे इस पर इंटरनेट चलेगा नहीं अभी, पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से 5 पैसा ओपन होगा, 5 पैसा में मैं आपके सामने यहाँ पे ट्रेडिंग करूँगा, खुद ट्रेडिंग करूँगा। जैसे आपने एक अकाउंट ओपन किया 0 अमाउंट से, मैं भी 0 अमाउंट से एक अकाउंट ओपन करूँगा, ठीक है, 0 अमाउंट से एक अकाउंट ओपन करने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर मैं लॉगिन करके आपके साथ ट्रेड करूँगा, आपका पोर्टफोलियो मेरा पोर्टफोलियो सेम रहेगा। हो सकता है मेरे इसमें 5,000 दिखेंगे, आपके इसमें 500 दिखेंगे, पर सेम प्रपोर्शन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेरे साथ लाइव करनी रहेगी, हम रोज़ कुछ ना कुछ करा करेंगे। हम इस किस तरीके से बेटा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का टैब है, हम म्यूचुअल फंड में भी कैसा इन्वेस्ट करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ये लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट बैच है जिसमें मैं फ्री में सिखाऊंगा, इसके बाद मैं किसी को फ्री में नहीं सिखाऊंगा। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी है, रिस्क है तो इश्क है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा रहेगी। नहीं, लॉस होगा बेटा, लॉस तो होगा, मैं आपको कह रहा हूँ लॉस होगा। और लॉस नहीं हो रहा है मतलब अपन गलत जा रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, लॉस नहीं हो रहा है मतलब अपन गलत जा रहे हैं। ये रास्ते में कांटे आएंगे, हमें यही सीखना है। कई बार तो लॉस में रहकर भी शेयर को एक सड़े हुए आम की तरह उसको रखना पड़ेगा पोर्टफोलियो में अपने को, उसको पाल के रखना पड़ेगा। बहुत चीज़ें होने वाली है, गूगल पे पे भी है ना, तो वहाँ म्यूचुअल फंड कर सकते हो, पर प्योर ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। मैं एक बार लास्ट टाइम यहाँ पे शेयर कर देता हूँ बेटा, वो जो लिंक है लीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। ये लिंक पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। आपकी उम्र 18 प्लस अगर नहीं है तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। फिर सर ऐसे समय क्या, अपने मम्मी के नाम से या पापा के नाम से आप अकाउंट ओपन करेंगे? मम्मी या पापा के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे, हाँ ठीक है। सर मेरा आंसर नहीं दिया, रुको मैं आपकी मम्मी से कंप्लेन करूंगा कि मेरा रिप्लाई नहीं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है, कैसे बच्चों ऐसी बातें कर रहा है? ई साइन इन मुझे थोड़ी आता है कैसे करना, वो आंटी बताएगी, तेरे को जवाब दिया तो था तब ई साइन इन का, कि वो आंटी से कॉल करना, तू ध्यान नहीं दे रहा। सर मैं फाउंडेशन में फेल हुआ था तो पापा शेयर मार्केट में मत जा, जिसको नहीं जाना है वो ना जाओ, ठीक है, नहीं जाना है। सर कैम्स IPO मुझे लगा, वॉट शुड आई डू? अब सेल कर दे बेटा, अब सेल कर दे। सर पैन कार्ड बना लिया, 18 प्लस होना चाहिए आपने। मेरा मैं काम करता हूँ, सबके आंसर ही देते बैठता हूँ मैं, पढ़ाता या फिर मैं बोलता ही नहीं, मैं सबके आंसर ही देता हूँ अब सब। सर हम जब JBMN तब शेयर सेल और परचेज कर सकते हैं, कोई कंडीशन है? बेटा मुझे बताने तो तुम लोग बता नहीं देते, खुद ही बोलना चालू रख देते हो। जब चाहे सेल कर सकते, जब चाहे बाय कर सकते, तुमको यही नहीं पता कि जब चाहे सेल जब चाहे बाय कर सकते? तुम्हें बहुत ज़रूरत है मार्केट में उतरने की। सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत करेंगे तुम, महीने के नहीं, हफ्ते के 500 रुपये ला सकते हो। हफ्ते के अगर 500 रुपये लाएंगे तो भैया कम से कम अपन 200 नहीं कह सकते, मतलब महीने के 2000, महीने के अगर आप 2000 लगा रहे हैं, आपको 500 लगाना है तो 500 भी लगाओ। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में जाएगा, कुछ पैसा FDs के अंदर जाएगा, कुछ पैसा स्टॉक्स में जाएगा, कुछ पैसा ट्रेडिंग के लिए जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली है। तो क्या होता है शेयर बाइंग सेलिंग, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं और आप नहीं करना चाहते तो मत आओ इसके अंदर बेटा। तुमको हाथ नहीं जलाना है तो मत जलाओ, जिसको जलाने हैं मेरे साथ हाथ जलाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों को मास्टर बना दूंगा, मैं आपको हाथ जलाना सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि गलतियां भी कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक से अर्न भी करते हैं, कैसे कोई चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रहने दिया जाता है। कब मार्केट गिरता है तो आपको अक्वायर कर देना चाहिए, जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक करते हैं, जब मार्केट गिरता है मैं अक्वायर करता हूं, मैं शेयर्स लेता हूं। तो ये बिल्कुल एक नया क्लीन अकाउंट है मेरा, इसके अंदर मैंने कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। दूसरा मेरा अकाउंट है उसमें मैंने ट्रांजेक्शन किया। IPO में कैसे गेन होता है, यू शेप कर्व कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके से IPO में अगर आपको शेयर नहीं मिले तो भी आप अर्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने लायक है। हिना ग्रो मेनली म्यूचुअल फंड ऐप है, रिसेंटली शेयर खरीद सकते हैं बट
कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे मार्जिन नहीं मिलती। आप ग्रो ऐप पर भी कर सकते हैं, ग्रो इज़ कंपेरेटिवली इजी, ग्रो कंपेरेटिवली इजी है, पर मैंने ग्रो यूज़ नहीं किया है सर, ज़ीरो से सिखाना होगा मुझे, मैं ज़ीरो से ही सिखा रहा हूँ। इसलिए ये जो कोर्स रहेगा ये बेसिकली सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ प्योरली बिगिनर्स के लिए रहेगा, प्योर बिगिनर्स के लिए कोर्स है ये। सही, पुनीत सर को बताओ प्लीज़ क्या बताना है। सर श्रेयस को कोरोना हो गया है, आपसे बात करना चाहता है कॉल पे। क्या बात कर रहा है श्रेयस, क्या बात कर रहा है श्रेयस, ज़रूर ज़रूर मेरे से बात करियो क्लास हो जाने के बाद, ठीक है। और मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैंने सुपर स्टिकर सुपर चैट सब ऑन कर दिए हैं, तो अपना चैनल फाइनली पूरी तरीके से यूट्यूब अब प्रमोट कर रहा है। तो भैया ये थी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपडेट्स। अब अपन ध्यान लगाते हैं पढ़ाई की ओर, कुछ बातें पढ़ाई की ओर अपने को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है सर? जो टाइमिंग चल रहा था वही टाइमिंग चलने देते हैं, जो चल रहा था वैसा चलने देते हैं। लगभग 50% सिलेबस अपना दोनों सब्जेक्ट का हो चुका है, अगले 10 दिन के अंदर अपना अगला 50% भी हो जाएगा। वैसे अपन थोड़ा लेट हो चुके हैं उसमें, काफ़ी हद तक आपकी भी गलती है, काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूट की भी गलती है, मेरी तरफ से गलती नहीं है इस बार, मैं तो भैया लेने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज़ ऐसी है कि टेस्ट, टेस्ट का शेड्यूल थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, लेकिन आपके पास 6 टेस्ट हैं। जैसे ही हमारा चैप्टर 5 और 6 कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगी, उसी तरीके से BCK का 4 5 हो जाएगा, उसके अगले दिन उसकी टेस्ट हो जाएगी। तो अब टेस्ट का कोई प्री डिस्क्राइब शेड्यूल नहीं है, पर एक टेंटेटिव रफ अंदाज़ा आ जाएगा अपने को कि अब कब अपनी टेस्ट होने वाली है, अपन उसके अकॉर्डिंग टेस्ट रखने वाले हैं। दूसरी चीज़, अन अकेडमी इज़ वेरी हैप्पी विथ यू गाइज, सो अगेन यू कैन यूज़ द कोड KGC10 इफ़ यू वॉन्ट टू। ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड वन स्पेशल क्लासेस, नॉट स्पेशल क्लास, प्लस कोर्स ऑन एन अकेडमी फ्रॉम मंडे, संडे से, सॉरी, तो संडे से मैंने स्टार्ट किया। आप वो चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं, डिटेल में आराम से देख सकते हैं। अभी जस्ट कोर्स स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 3 चैप्टर हो चुके हैं वहाँ पे। उसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ कोड KGC10, KGC10, एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन। एंड यू मस्ट बी हैप्पी दैट योर एजुकेटर, मतलब मैं, 300 रैंकिंग से सडनली 30th रैंकिंग पे चला गया। एंड इफ इट गोज़ वेल देन वी आर गोइंग टू हिट इन टॉप 20, एंड आई एम गोइंग टू, जो भैया मेरे पास एक वॉच है, ठीक है, मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया है। क्या मैंने इस वॉच के बारे में कभी जिक्र किया है? सर वीडियो देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्या आपके चैनल का? नहीं, नहीं, इस वॉच के बारे में मैंने बताया नहीं, ये स्मार्ट वॉच है। मैं सोच रहा हूँ इसका भी गिव अवे करूँगा, मैं इसका गिव अवे करने की सोच रहा हूँ। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैंने इसको खोला भी नहीं आज तक, मतलब देखा है अंदर से, तो मैं इसका गिव अवे करने की सोच रहा हूँ, पर देखते हैं हु इज़ द डिज़र्विंग वन, तो ज़रूर करेंगे हम। कर दो ठीक है। नहीं किया सर अनअकैडमी पर, अब क्लास सही नहीं चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है। आप ये करिए, ऐप रिफ्रेश करिए और अपडेट करिए। सो दिस इज समवेयर अराउंड 2500 का है ये, बट आई विल गिव इट अवे, मैं जो मेन टेस्ट रहेगी ना उसके अंदर किसी एक बंदे को मैं दूंगा। सो ये मेरा थॉट है, अब देखते हैं क्या है कैसा है। सो आई हैव मैनी थिंग्स विच आई कैन गिव इट एज गिव अवे, बस उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जोड़ते जाना है, अपन सारी चीज़ें करेंगे। गिव अवे कर रहा हूँ बेटा, गिव अवे फ्री में दे रहा हूँ, फ्री के भी 10 रुपये दे रहे हो तुम। हाँ जी गिफ्ट है, मैं जानता हूँ, मैं सिमिलर वॉच गिव अवे करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये तो खोला भी नहीं अब तक, इसको तो यूज़ भी नहीं करता हूँ। सिमिलर वॉच आई एम गोइंग टू गिव अवे, तभी तो 2500 रुपये प्राइस बताया मैंने तुम्हें, गिफ्ट होता तो प्राइस थोड़ी पता होता उसका। ये नहीं देने वाला बेटा, ये नहीं देने वाला, नहीं नहीं ये नहीं दूंगा, पागल हो क्या? ये तो गिफ्ट है, गिफ्ट में मेरे पास बहुत चीज़ें यहाँ पे भर भर के, ये नहीं देना है मुझे। ऐसी वॉच दूंगा द वन विच आई यूज़, मैं एक और वॉच यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, विच इज़ माई फेवरेट वन, दिस इज़ ऑफ नॉइस, ये भी बहुत अच्छी है, मैं इस टाइप का भी गिव अवे करने की सोच रहा हूँ, इस टाइप की वॉचेस, यानी कि नया ही आएगा आपको ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड यू आर हेल्पिंग मी टू इम्प्रूव माई रैंकिंग, आई एम गेटिंग इनॉर्मस बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस एंड रिकग्निशन। सो आई थॉट कि भैया अपने को कुछ मिल रहा है तो अपन सबको बांटे भी। यस सर, सर टेस्ट कैसे लेना है, डिटेल्स एंड फीस? फीस नहीं लगती बेटा उसकी, खुशबू सोनी कोई फीस नहीं है,
सीओपी नीचे पड़ा है थैली के अंदर, वो उसने वो करके ही नहीं दिया मेरे को, क्या बोलते हैं, फ्रेम करके ही नहीं दिया। 10 रुपये में सेल कीजिए नालायक। सर प्लीज़ कोई चश्मा बताए सर, हमें ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करना है। सर एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा, एप्पल वॉच ले लो, आप तो सीए हो। बेटा सीए हूँ इसलिए एप्पल वॉच नहीं ले रहा, सीए हूँ इसलिए एप्पल वॉच नहीं लेता। बट यस सून आई एम गोइंग टू बाय आईपैड। टू बी फेयरली ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू बाय आईपैड, वन ऑफ माई स्टूडेंट गिफ्टेड मी आईपैड, तो वो कुछ दिन में आ जाएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। सर कैसे लूँ टेस्ट? चलिए टेस्ट के बारे में कोई तो भी टाइप करके बता दीजिए खुशबू को। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब मैं नहीं ले रहा हूँ आईपैड, मेरे को गिफ्ट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, आते रहते ऐसे पर्क्स, ऐसे ऐसे गिफ्ट्स आते रहते, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। वो खास स्टूडेंट है, यानी कि वो इंटरमीडिएट का है। चलिए जी, वो तो मैं नहीं ले रहा। शैल वी बिगिन गाइस? शैल वी, क्या हम स्टार्ट करें? बेटा आज उम्मीद करता हूँ, मैंने एक लेक्चर शेयर किया था, ग्रुप पे शेयर हुआ था लेक्चर, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को मैं थोड़ा सा रिकैप करवा के जितना मेरा टारगेट है आज वो कवर करवाऊँ। iPhone 12 वर्ल्ड बेस्ट फ़ोन है, A4 चिपसेट। अब शुरू कर दीजिए प्लीज़, मैं वही कर रहा हूँ बेटा। समवन प्लीज़ इनको कोई बताए। नहीं, 9 गिफ्ट कहाँ निकाले, मेरे को वहाँ पे पार्सल दिखाऊंगा, पार्सल जब करने जाऊंगा ना तब करूँगा मैं, 1-2 दिन में गिफ्ट डिस्पैच करूँगा। जय माँ काल, शुरू करते हैं। चलिए मैं कर रहा हूँ कमेंट्स ऑफ। अब आप बातें नहीं करेंगे, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है एप्पल पे ही ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। 1 लाख रुपए अगर मैं मार्केट में लगाऊं तो एप्रिशिएट होंगे, डेप्रिशिएट नहीं होंगे, तो इसलिए सीए हूं इसलिए नहीं लूंगा। ओके सो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग इट अगेन। प्रोडक्शन फंक्शन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम इस पर्टिकुलर यूनिट पर बात करने वाले हैं इनपुट वर्सेज आउटपुट की क्वांटिटी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन? इट्स बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट क्वांटिटी वर्सेज आउटपुट क्वांटिटी। बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट डिजायर्ड आउटपुट, कम से कम इनपुट में डिजायर्ड आउटपुट कैसे निकाला जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जाए डिजायर्ड इनपुट के अंदर। जितना इनपुट दिया उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए, या मिनिमम इनपुट में डिजायर्ड आउटपुट निकाला जाए, मतलब इन शॉर्ट मिनिमम से मैक्सिमम निकालना है, वही आलू डाल के सोना निकालना है अपने को। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ऑप्टेंड विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, बताया था कल मैंने आपको, एक लेक्चर है वो आप जरूर देख लीजिए। प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू गिव आउटपुट। अब फिर उसके बाद कॉब डगलस की प्रोडक्शन फंक्शन देख लिया था अपन ने। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन 1960s के अराउंड, या फिर अपन कह सकते हैं इन मिडल ऑफ द सेंचुरी, इन्होंने इंडस्ट्री का सर्वे किया, और सारी इंडस्ट्री का सर्वे करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ करी। दे रीच टू द कंक्लूजन दैट क्यू दैट इज आउटपुट इज इक्वल्स टू के मीन्स अमाउंट ऑफ इनपुट एल टू द पावर ए, इस पे लेबर काम करेगा, साथ ही साथ कैपिटल टू द पावर 1 - a। व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि जितना ज्यादा के रहेगा उतना ज्यादा क्यू रहेगा, जितना इनपुट उतना ज्यादा आउटपुट, लेकिन इसके ऊपर दो फैक्टर वर्क करेंगे, लेबर एंड कैपिटल। सो इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली दिस इज द रॉ मटेरियल, दिस इज द लैंड, दिस इज द लेबर, दिस इज द कैपिटल, एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेनर का यहाँ पे फंक्शन में आएगा नहीं। सो दिस इज बेसिकली द प्रोडक्शन फंक्शन। इन एनी गिवन प्रोडक्शन
कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन में चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए, इनपुट दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर इस पे क्या करेगा सर, एंटरप्रेन्योर इसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक है, वो इसमें अपना इनपुट नहीं डालेगा, ही इज गोइंग टू वर्क ऑन इट. सो दे गेव दिस प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल्स टू के एल टू द पावर ए सी टू द पावर वन माइनस ए, वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इज मोर. मैंने आपको बोला बहुत पुरानी थियोरी है ये, इसके हिसाब से बहुत पुराना टाइम है, तब लेबर ही ज़्यादा होता था, तो लेबर कॉन्ट्रीब्यूट्स 3/4 एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4, ठीक है, एंड के एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. आई होप इट इज क्लियर गाइस. कंजूस लोग, कंजूस लोग, कंजूस, कंजूस लोग है सच में. कहाँ जाओगे रे, तुम्हारा खून का है निकलता है रे. तो ठीक है, वी स्टडीड प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन देख लिया दोस्त अपन ने, उसके बाद आगे चलते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. यस्टरडे एज आई एक्सप्लेन सर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, पता नहीं कितने लोगों ने आपने मेरा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर देखा या नहीं देखा, पर मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट रन इज नॉट अ टाइम पीरियड, लॉन्ग रन इज नॉट अ टाइम पीरियड, बेसिकली इट इज हाउ यू आर ट्रीटिंग योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एज आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इट टुडे अगेन, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने, अगर बेटा आप लोगों ने मेरा वो एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर देख लिया है देन सम वॉट इट इज गोइंग टू रिपीट अगेन, स्टोरी थोड़ी सी फिर से रिपीट होगी बिकॉज आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट पार्ट अगेन, ठीक है. आइए मदद करिएगा मेरी, मदद करिएगा मेरी, मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ. अब मैं डिटेल में जा रहा हूँ बेटा, इस बार मैं डिटेल में जा रहा हूँ. जन्नत होटल, जन्नत खोलना चाहता हूँ सर मैं. इसका मैं आपको होलोग्राफिक व्यू दिखाता हूँ, यानी कि दीवार है पर आपको अंदर इसके क्या क्या है सर. अंदर देखो यहाँ टेबल लगे हैं, स्टैंड भी है नीचे, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर स्टैंड कहाँ गया. बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ अब अपने पास समय है, तो कल जब अपन ये लेक्चर कर रहे थे तब अपने पास समय नहीं था सर इतने. अपने पास टेबल है, इधर अंदर एक भट्टी जल रही है जैसे कि कल मैंने बताया था सर, ये आग जल रही है यहाँ पर, मैं बेचारा ठीक है रोटियाँ बना रहा हूँ, रोटियाँ बना रहा हूँ, ऑर्डर भी लेता हूँ. अब साहब मैंने एक होटल डाला, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं इसको सर, एक मैंने एक रेस्टोरेंट डाला. अब ये रेस्टोरेंट लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है, और हमें ये पता करना है कि लॉन्ग रन में है तो क्या, शॉर्ट रन में है तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो सबसे पहले अपन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझने की कोशिश करते हैं. शॉर्ट रन इज़ द टाइम, शॉर्ट रन इज़ अ कंडीशन, शॉर्ट रन एग्जिस्ट. शॉर्ट रन तब आता है सर जब आपके पास कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल. कहने का मतलब क्या है सर, शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि कुछ फैक्टर आपके पास फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर आपके पास वेरिएबल है. तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है, शॉर्ट रन में आपके पास कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं, इससे फर्क ये बात का पड़ता है बेटा, बहुत सिंपल सा फर्क पड़ता है कि आपके पास कुछ फैक्टर अगर फिक्स है तो एक लिमिटेशन की तरह एक्ट करने वाला है. तो जब जब आप किसी लिमिटेशन में काम करेंगे तो वो बन जाएगा शॉर्ट रन. और लॉन्ग रन क्या रहेगा सर, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पाएंगे, यानी कि सर आप जब चाहे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जब चाहे प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, जब चाहे एडिशनल फैक्ट्री ले सकते हैं. तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एंड दैट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर अदर देन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो सर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको रिस्ट्रिक्शंस देता है. सर इसका मतलब क्या है, सर मैंने जब होटल स्टार्ट किया तो मेरे पास ये दो लोग आए, ठीक है, निब्बा निब्बी आए सर, ये निब्बा निब्बी आए मेरे पास, इन लोगों के लिए मैंने खाना बना के दे दिया, ठीक है, कुछ खाया तो है नहीं इन्होंने, कॉफ़ी वगैरह पी, मैगी वैगी खाई, मैगी, अरे वाह मैगी याद आ गई मुझे, कोई बात नहीं मैगी खाऊंगा आज मैं. तो सर ये निब्बा निब्बी आए, निब्बा निब्बी को मैंने खाना खिला दिया, निब्बा निब्बी ने पैसा दे दिया, चल गए, ठीक है. तो पहले इनको खाना वगैरह भी बना के दिया, फिर उसके बाद सर कैश भी कलेक्ट करा इनका, और ठीक है, और फिर जैसे ही टाइम मिला सुबह सुबह जाके मैं सब्जी लेकर आई, देखो मेरी छोटी सी गाड़ी भी है, ठीक है, आगे मैं बैठता हूँ, पीछे ट्रॉली है, ठीक है, मैं सुबह सब्जी भी लेकर आया. तो सर अभी मैं काम कर रहा हूँ, सही कमा रहा हूँ, ठीक है. फिर ना निब्बा निब्बी को बहुत अच्छा लग गया सर, इन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला कि आप जाइए,
तो भैया इनके मम्मी पापा, इनकी फैमिली भी आ गई, इनकी फैमिली भी आ गई खाना खाने यहाँ पे। सर लड़की की फैमिली आ गई, लड़के की भी फैमिली आ गई, ठीक है, इन दोनों को पता नहीं एक दूसरे के बारे में ना। सर ये लोग आ गए, मस्त धंधा चल रहा है सर अपना, मस्त बिजनेस चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले दो निब्बा निब्बी आए थे सर, दो लोग आए थे तो मेरे को कम रॉ मटेरियल लगा। अरे हाँ, या ना, यानी कि रॉ मटेरियल को अपन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो। सर वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज होता है। अरे सर कम लोग रहेंगे तो कम मैगी लगेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मैगी लगेगी, कम लोग रहेंगे तो कम सब्जी लगेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा सब्जी लगेगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो मैं शॉर्ट रन में हूँ, मैं शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा हूँ। सर क्यों शॉर्ट रन है? क्योंकि अभी मेरे पास एक लिमिटेशन है। आपको समझ में आएगा लिमिटेशन कैसे एक्ट करती है। तो सर ये सारी चीज़ें आपको समझ में है कि सर ये वाली कंडीशन चल रही है। अभी मेरे पास जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, तुम्हें नहीं लगता मेरे को एक्स्ट्रा टमाटर लाने पड़ेंगे, मुझे एक्स्ट्रा हरी सब्जियां लानी पड़ेंगी, मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है सर? शॉर्ट रन के अंदर जब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो मुझे वेरिएबल इनपुट बढ़ाना पड़ता है। अब लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सर, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती जा रही है, सबको मेरे होटल का खाना बहुत पसंद आ रहा है, रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आ रहा है सर, हाउसफुल रहता है, हमेशा फुल रहता है। तो मैंने क्या करा, एक और बंदे को रख लिया। इस बंदे को मैंने बोला जा तू सब्जियां लेकर आया कर, सब्जियां धोया कर, खाना तो मैं ही बनाऊंगा, मेरे हाथ में बहुत स्वाद है, कैश भी मैं कलेक्ट किया करूंगा, तू बस ऑर्डर ले लिया कर, सर्व कर लिया कर, बाकी का आधा काम तू कर ले। ये सारी चीज़ें भी होने लग गई। एक और बंदा मेरे पास आ गया। अभी लॉ के अंदर बहुत डेप्थ में जा रहे हैं अपन, पूरी तरीके से डायग्राम के थ्रू लॉ के अंदर घुसने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा। सर ये भी चीज़ हो गई, ठीक है, मैंने एक और बंदा रख लिया। अब सर देखो बहुत मज़ा आने लगा, ये लोग ना पूरा को पूरा हर हफ्ते आने लग गए और मेरा ये होटल रेस्टोरेंट हमेशा हाउसफुल रह रहा है, ठीक है, भर भर के। तो मैंने एक और बंदा रख लिया, मैंने बोला एक काम किया कर, तू अभी क्लीनिंग विनिंग किया कर, ठीक है, कैश मैं कलेक्ट करूँगा, खाना मैं बनाऊँगा, बाकी का काम ये दूसरा बंदा कर लेगा, ठीक है। तो मैंने इस बंदे को भी रख लिया और सर मेरा होटल चलने लगा। मैंने अंदर अंदर ऊपर के फ्लोर पर लगा दिया सर, ऊपर के फ्लोर पर भी लोगों को बिठाना चालू कर दिया, मैंने पार्टी ऑर्डर लेना करा और मैंने लोगों को लाना चालू कर दिया। बेटा कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं मेरा सब्जी का खर्चा बढ़ते जा रहा है, जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं मैं एक्स्ट्रा लेबर भी रखते जा रहा हूँ, ये दोनों ही फैक्टर वेरिएबल हैं। पर सर एक वक्त आ गया कि इस होटल रेस्टोरेंट की कैपेसिटी थी मैक्सिमम 50 और मैं मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुँच गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं 50 से ज़्यादा लोगों को बिठा नहीं पा रहा। तो नाउ दिस फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेटा 60 लोग आ जाए तो 60 लोगों की सब्जी लाना आसान है, 100 लोग आ जाए तो 100 लोगों की सब्जी लाना आसान है, सर 10 लोग आएंगे तो भी 10 लोगों की ही सब्जी लाऊंगा। लेकिन सर ये फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो अपनी रेंटेड प्रीमाइस अभी अपने को तकलीफ दे रही है। अब मुझे समझ में आया कि मैं शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं जब चाहे कैपेसिटी को बढ़ा या कम नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कुछ ही फैक्टर को बढ़ा या कम कर सकता हूँ। तो सर जिसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ उन्हें बोला जाता है वेरिएबल। पर सर मैं ना इतने सालों में बहुत सेठ बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो मैंने क्या किया, तुरंत ही यहाँ पे एक्सटेंशन ले लिया, मैंने जगह ले ली, बहुत बड़ी जगह ले ली सर मैंने अब, ठीक है, मैंने जगह ले ली और यहाँ पे लगा दिए टेंट, तंबू लगा दिए बड़े बड़े। और हर तंबू के नीचे 20-20 लोग बैठ जाते हैं सर, यानी मैंने 50 + 80 130 लोगों की कैपेसिटी कर ली। तो जब दिवाली का सीज़न आ रहा है या न्यू ईयर का टाइम आ रहा है सर, ये पूरे 130 के 130 लोग भर जाते हैं। अरे ज़रूरत पड़ती है तो पीछे भी तंबू लगा देते हैं सर हम, यानी जब ज़रूरत पड़ी तब अपन कैपेसिटी अब इंक्रीज कर पा रहे हैं, लेकिन सर जब ऑफ सीज़न रहता है तो ये तंबू हटा देता हूँ मैं, नको मेरे को सर, ये बाजू वाले की जगह भाड़े पर ले रखी थी, जब जब तंबू लगाता था उसको पैसे देता था मैं, एक रात के 1,000 रुपये, तो सर वो पैसे देता था मैं उसके, लेकिन अब जब मुझे ज़रूरत है तब मैं बढ़ाता हूँ, जब मुझे ज़रूरत है तब मैं कम कर लेता हूँ। सो डोंट यू थिंक, जब मुझे रेंटेड प्रीमाइस सबसे पहले एक कंस्ट्रेन की तरह एक्ट कर रही थी, अब मैं उसे अपनी मर्जी के अनुसार बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। सो नाउ आई एम ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन। सर अगर मेरे पास ये अद्भुत ताकत आ गई कि मैं फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये रेंटेड प्रीमाइस को, बेटा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जब मैं ये फिक्स प्रीमाइस को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, जब चाहे बढ़ा दूँ लोगों की कैपेसिटी, जब चाहे कम कर दूँ, तो मैं अब लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। वैसे तो ये रेंटेड प्रीमाइस है तो फिक्स है, मेरे को इसका फिक्स रेंट देना ही पड़ता है, पर मैं इसको कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं इसको वेरी कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। नाउ आई एम ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन एंड आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब लॉन्ग रन शॉर्ट रन में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पढ़िए, तो शॉर्ट रन इज़ अ टाइम पीरियड
व्हेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स, सर कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहता है, लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे वेरिएबल रहता है, शॉर्ट रन के अंदर याद करो जब मेरे पास कंस्ट्रेंट थे, जब मैं आजू बाजू तंबू नहीं लगा सकता था, ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्या करता था, ज्यादा कस्टमर्स को बिठाता था, ज्यादा सब्जी भाजी लाता था, ज्यादा लेबर रखता था। कहने का तात्पर्य क्या था सर, कहने का मतलब बहुत सिंपल था, अगर मैं शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो मुझे वेरिएबल इनपुट बढ़ाने पड़ते थे, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ते थे, फिक्स तो फिक्स है सर। लॉन्ग रन में चला गया ना सर, अब तो मैं सब कुछ बढ़ा सकता हूँ, सब्जियां भी बढ़ा सकता हूँ, तंबू भी बढ़ा सकता हूँ। शॉर्ट रन के लॉ को बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बेटा चार अजम्पशंस आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला अजम्पशन, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट है, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप इसको कोई एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर कर रहे हो, एक साल, दो साल, तीन साल, एज द केस में भी। एंड लास्ट वन, इट इज डिविजिबल इंटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट। ये कल तक हमने पार्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन जितनी भी चीज़ें मैं आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में उतार के दे दूंगा, पर पहले हमें समझने की ज़रूरत है। सर यही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जितने लोग सेशन अभी छोड़ के चले गए ये सोच कर कि सर ये तो कल वाला ही पार्ट रिपीट हो रहा है, कल वाला पार्ट ही रिपीट हो रहा था, पर कल वाला पार्ट खत्म हो गया, अब मैं डाल देता हूँ, वी आर लाइव अगेन। जी सर, वी आर लाइव अगेन विथ फर्दर पार्ट। थैंक यू जिसने भी ग्रुप में पोस्ट कर दिया। यस सर, वी आर लाइव अगेन। कोई नहीं, रिपीट हो रहा था। अब आइए सर, अपन ये होटल का एग्जांपल, रेस्टोरेंट का एग्जांपल कंसीडर करेंगे। आइए ध्यान दीजिए सर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये शेड्यूल है। ये शेड्यूल में ही सब कुछ है, सारे एक्सप्लेनेशन, ऊपर के नीचे के सारे एक्सप्लेनेशन ये शेड्यूल से आने वाले हैं। पढ़ते हैं जी ये शेड्यूल को। इमेजिन करो मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा रेस्टोरेंट है, मैं अकेला बंदा काम करता हूँ। सर अकेला बंदा क्या क्या काम कर लेगा, सब्जी लेकर भी आएगा, क्लीनिंग भी करेगा, सफाई भी करेगा, ऑर्डर भी लेगा, खाना भी बनाएगा, कैश भी कलेक्ट करेगा। तो सर मैं अकेला बंदा ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों को सर्व कर पाता था। क्या बोला बेटा मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों को मैं सर्व कर पाता। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग वापस आ गए। यस यस यस, तो आगे का पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो सर मैं अकेला था तो दो लोगों को मैक्सिमम सर्व कर पा रहा था, इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे साथ मेरा एक दोस्त आ जाए, लेट्स से दिनेश, डैशिंग दिनेश मेरे साथ आ गया, अगर दिनेश अग्रवाल मेरे साथ आ गया, अब अगर मान लो दो लोग आ गए तो काम बट जाएगा, स्पेशलाइजेशन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैंने कहा सारा का सारा परचेसिंग का काम तू कर, दिनेश अग्रवाल, वैसे भी देख तेरे सरनेम अग्रवाल है, तू पैसा मस्त बचाएगा, होटल के अंदर अपन पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो मैंने लेट्स से एक लेबर रख लिया, मैं भी खुद को लेबर काउंट कर रहा हूँ, उसको भी लेबर काउंट कर रहा हूँ। तो सर दो लोग आ गए बिजनेस के अंदर, मैंने उसको बोला कैश भी तू कलेक्ट करना, कैश तू कलेक्ट करना, रेट्स तू डिसाइड करना, सब्जियां तू लेकर आना, क्लीनिंग विनिंग कर देना, मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर लिया करूंगा, खाना बनाया करूंगा, सर्व करूंगा। तो जैसे ही हमने एक इनपुट बढ़ाया, हमने एक वेरिएबल इनपुट बढ़ाया, बेटा अपन कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, अपन शॉर्ट रन का लॉ पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक फैक्टर फिक्स्ड है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर एक फैक्टर फिक्स्ड है, तो अभी अपन शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में अभी अपन सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर फिक्स्ड पड़ा हुआ है। सर कैपिटल फिक्स्ड है, रेंटेड प्रीमाइस फिक्स्ड है। तो सर जैसे ही दो लोग पढ़े ना, एक आदमी दो लोगों को सर्व करता था, पर दो आदमी पांच लोगों को सर्व कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर सर एक और बंदे को बुला लिया, दिनेश ने नरेंद्र को बुला लिया, नरेंद्र साहब को बुला लिया, नरेंद्र साहब अब क्या कर रहे हैं, नरेंद्र साहब बोल रहे हैं कि सर मैं ऑर्डर बहुत अच्छे से ले सकता हूँ, मैं लोगों को मस्त चूना लगा सकता हूँ, उनको जो नहीं लेना है उनको भी ऑर्डर दिलवाऊंगा। कैसे, मैंने बोला कैसे, तो वो बोला कि देखो सर बहुत सिंपल है, अगर एक कपल आ रहा है वहां पे बैठ रहा है, अगर कपल आके बैठ रहा है तो सबसे पहले देख लेना ये मैरिड कपल है अनमैरिड कपल है। अगर मैरिड कपल है, अगर सर ये मैरिड कपल है, तो आदमी और औरत का मूड देखो, अगर मूड खराब है औरत का
तो मेन्यू कार्ड लड़की के हाथ में दे दो, वो जितना ऑर्डर करेगी, आदमी मना नहीं कर सकता, सर मूड खराब है। और अगर मैरिड कपल है और सर मूड खराब नहीं है, तो आदमी के हाथ में दे दो, वैसे भी वही ऑर्डर करने वाला है, तो सर उसमें अपन दिमाग में लगाएंगे। और मैंने बोला और बता, अरे तू तो बहुत अच्छी चीज बता रहा है, तो बोल रहा अगर निब्बा निब्बी आ गए सर, सर अगर निब्बा निब्बीज आ गए, यानी कि सर कपल आ गए, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए, तो कुछ नहीं करने का, मेन्यू इन दोनों को ही नहीं देने का, मैंने इन दोनों को ही नहीं देने का। लड़का सफेस्टिकेशन के मारे चुप बैठा रहेगा, लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहेगा, तुम मेन्यू पढ़ के बताना और लड़की से पूछना व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम, इतना पूछ लेना सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वो बोलेगी ये, आप दो चीजें और सजेस्ट करना, आप दो चीजें और सजेस्ट करेंगे, लड़की सोच रहेगी लूं या नहीं लूं, लड़के को लगेगा शो ऑफ का टाइम है, वो बोलेगा नहीं नहीं ये भी ले लो, ये भी मंगवा लो, मैं आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा अच्छे से दिलवाऊंगा। मैंने बोला यार नरेंद्र बहुत बात तो तू सही कह रहा है, और बोला सर इतना ही टेंशन नहीं, अपन बाहर एक पान स्टॉल भी लगा लेते हैं, वो पान भी मैं इनको दे दिया करूंगा। अरे सर देखो ना अपन, मैं आपको धंधा कितना अच्छे से चला गया, तो मैंने बोल बहुत बढ़िया, मैं अकेला दो लोगों को सर्व करवा रहा था, अब दो लोग आए तो पांच लोगों को सर्व कर रहा हूं, तीन लोग आ गए तो हम नौ लोगों को सर्व कर रहे हैं, आइडियली एक आदमी दो लोगों को सर्व कर रहा था तो तीन लोगों ने छह लोगों को सर्व करना चाहिए था, पर सर स्पेशलाइजेशन के कारण एक और आदमी बढ़ गया और हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ गया सर, बिकॉज ऑफ निब्बा निब्बीज। फिर सर दिनेश आ गया, दिनेश आ गया, नरेंद्र आ गया, अब आया कृणाल, कृणाल बोलता है सर मैं भी आऊंगा। मैंने बोला मेरे पास जगह नहीं है यार, नहीं बोला ये जो बाहर है ना, मैं खिलौनों की दुकान लगा देता हूँ, फैमिली वाले आते हैं तो वो भी बेचेंगे अपन, और थोड़ा बहुत कार वार पार्किंग में मदद कर लूंगा, आपको बार बार किचन छोड़ के आना पड़ता है, आपके हाथ में टेस्ट है तो भी आपको बार बार किचन छोड़ के आना पड़ता है। मैंने बोला बात तो तू सही कह रहा है बेटा, देख काम कर ले, ठीक है तू आ जा, तो उसको भी ले आए। तो भैया इसके आने के कारण कुछ खासा फायदा हुआ नहीं, 9 के 12 कस्टमर हुए, यानी तीन लोग थे तो 9 कस्टमर सर्व हुए, पर पर्सन 4 कस्टमर को सर्व कर रहे, तो कृणाल आया 4 लोग 12 को ही सर्व करे, पर पर्सन 3 लोगों को ही सर्व कर रहे, सर सेम एवरेज आ रहा है, तो इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, कुछ खास नुकसान हुआ नहीं, तो मैंने उसको लिया है। सर भी कृणाल तो कृणाल था, कृणाल ने बोला ही ना तू भी आ जा सर, तो दिल दरिया बाकी सब पानी है सर, सर बोल रहे कि आ जाओ अपने होटल में काम करते, रेस्टोरेंट में काम करते, तो हीना को ले आया। हीना को भैया शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिल रही, हीना को हमने कैश काउंटर पे बिठा दिया, हीना को जैसे ही कैश काउंटर पे बिठा दिया, हीना शॉपिंग करे जा रही, शॉपिंग करे जा रही, कस्टमर वहाँ पे लाइन लगा रहे हैं। हमने बोला हीना ये गलत बात है, बोलती सर देखो उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ना सर आप ही ने हमको सिखाया मनी सेव दिस मनी, एंड मैं पैसे बचा रही हूँ, इन शॉर्ट पैसे कमा रही हूँ। हमने बोला बात तो तेरी सही है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, पर नुकसान हो रहा है। तो भैया हीना के एक्स्ट्रा आने के कारण सिर्फ दो ही एडिशनल कस्टमर बने, नुकसान बढ़ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। हीना बोलती है कि मैं हर्षिता को भी लेकर आएगी। मैंने बोला क्यों भाई, तेरे जैसी ही रहेगी वो, नन्ना को लेकर आ, तो उसको दे, नहीं सर लेकर आती मैं उसको, हम दोनों बातें करेंगे, हमारा थोड़ा टाइम पास होगा, ठीक है, कभी मैं शॉपिंग कर रहेगी तो वो फिर वो एक आधे कस्टमर को हैंडल कर। मैंने बोला चलो ठीक है यार, मना तो कर नहीं सकते, तो एक और जन को लेकर आ गए। कुछ खास एफिशिएंसी बढ़ी नहीं हर्षिता के आने के कारण। अब आ गया पुनीत, पुनीत बोलता भैया मेरे को भी आना है। मैंने बोला आप भैया अब तो जगह ही नहीं है होटल में, क्या करेंगे अपन। नहीं बोले सर मैं रसोई में आपका हाथ बटा लूंगा। मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है तू, भाई पुनीत भी आ गया। जैसे ही पुनीत आया, पुनीत हर आधे घंटे में बोल रहा है, हर आधे घंटे में डैशिंग दिनेश को बोल रहा है, दिनेश अग्रवाल को बोला भैया मेरे को चाय बना के दे, नहीं मैं थक गया मेरा सिर दुख रहा है मेरे को चाय बना के दे। उसको बोला चावल के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दे, तो भाई साहब ने शक्कर डाल दी। मैंने बोला कि भैया ये जो चीज़ है भट्टी के ऊपर रख दे, तो पुनीत ने क्या किया हर्षिता को भट्टी में डाल दिया, हर्षिता जल रही है। इमेजिन करो यहाँ पे बेचारे पुनीत, बेचारा पुनीत का नालायक है पुनीत। हर्षिता बेचारी जल रही है भट्टी के अंदर, कोई बचा भी नहीं रहा। सर यहाँ के क्या हो गया, मैं यहाँ पर ये हर्षिता को बचा रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर वो रहता है उसके मुंह पे मार रहा हूँ, हम कस्टमर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो अब ये नालायक पुनीत के आने के कारण क्या हो गया बेटा, जो 7 लोग मिलके 15 लोगों को सर्व कर पा रहे थे, 8 लोगों के कारण 14 लोग। पुनीत बोला नहीं सर, सर देखो हम आए हैं तो और भी किसी को लेकर आएंगे, सर देखो अपना राज है सर, आपने होटल यूपी में खोला है, आपने होटल यूपी में खोला है, आपको अब मेरे भाई को भी लेकर आना पड़ेगा। मैंने बोला ले आ भाई, अब क्या बोलूँ। तो इसके भाई को भी ले आया, इसके भाई ने हीना को भी डाल दिया, हीना को भी डाल दिया, अभी तो हर्षिता को डाला था, हीना को भी डाल दिया उन्होंने भट्टी में। बोले कि किस काम की लड़कियाँ, डाल दिया सर भट्टी में, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, किसी और को भी डाल सकते, दिनेश को डाल दिया समझो, दिनेश को डाल दिया। तो सर इन शॉर्ट मेरा तो इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है बेटा, बहुत सिंपल है,
कि जैसे जैसे आप पहले इनपुट बढ़ाते हो ना, आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है। क्यों सर? स्पेशलाइजेशन के कारण। लेकिन एक लेवल के बाद इतना ज़्यादा चीज़ें अकोमोडेट नहीं हो सकती, रिवर्स यू टर्न मारना चालू हो जाता है, आपका टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है। आप 8 घंटे पढ़ेंगे आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, 10 घंटे पढ़ेंगे एफिशिएंसी थोड़ा कम होना चालू हो जाएगी, 15-20 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाएगी, अगला दिन बर्बाद जाएगा। सेम गोस हियर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइस। क्या ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गई। तो भैया ये चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे जैसे मैंने इनपुट बढ़ाया वैसे वैसे पहले तो मेरा आउटपुट बढ़ा, पर फिर बाद में सर मेरा आउटपुट गिरना चालू हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अगर ये देखिए, ये नॉर्मल ग्राफिक्स हैं। अगर आपको HD ग्राफिक्स देखने हैं तो आप मेरे एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज देखिए बेटा, HD ग्राफिक्स है। वहाँ पे तो अलग अलग कलर से आग निकाली है, कुकर वगैरह लगाया है, लोगों को जलाया है, पान की दुकान रखी, बहुत कुछ करा है वहाँ पे। तो सर वहाँ पे बहुत कुछ है, ये मतलब नॉर्मल इमेज है, वो HD है सर, अपनी HD क्वालिटी मिलेगी आपको देखने को। आइए बढ़ते हैं आगे। ओके सर, सर एक आदमी एक इनपुट रहा तो इतना आउटपुट आ रहा है टोटल प्रोडक्ट, 2 के लिए 5, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या आप मुझे एवरेज प्रोडक्ट निकाल के बता सकते हैं? अब जानना क्यों है एवरेज प्रोडक्ट, मैं जानना चाहता हूँ पर पर्सन कितने पर्सन सर्व कर रहा हूँ, पर पर्सन कितने कस्टमर सर्व हो रहे हैं। तो भैया पहले मैं टोटल प्रोडक्ट निकालता था 2 और इनपुट था 1, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना निकला? 2, यानी पर पर्सन 2 लोगों सर्व हो रहे थे। फिर भैया 2 लोग आए, 5 कस्टमर सर्व हो रहे हैं, पर पर्सन कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं? 2.5। वेरी गुड सर, वेरी गुड, एफिशिएंसी बढ़ रही है। 3 लोग आ गए, टोटल 9 लोगों को सर्व कर रहे, पर पर्सन सर्विंग कितनी हो गई? 3। सर क्रुणाल आया, 4 लोगों गए, कस्टमर सर्व हो रहे 12, 3। एक और बंदा आया सर, 14 / 5, 2.8। देख रहे हो एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया सर, एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया, एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है। 2.5, 2.1, 1.7, 1.3। सर ट्रेंड देखना है अपने को यहां से। सबसे पहले देखना बेटा टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, 12 से 14, 14 से 15, 15 से 15, 15 से 14, 14 से 12। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे बेटा इसका, पहले ये 3 से बढ़ा, कितना इनका डिफरेंस? 3। दिस इज 3 इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर बेटा 4 से बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर सर एक इनपुट बढ़ाने से फिर 3 बढ़े, मार्जिनल प्रोडक्ट। 2 बढ़े, मार्जिनल प्रोडक्ट 2। 1 बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट 1, मार्जिनल प्रोडक्ट 0, -1, -2। क्या समझ में आ रहा है सर? सर मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, बिकम 0, देन नेगेटिव। अब इसको अपने को प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो ये सारा तामझाम अपने स्टोरी के माइंड, स्टोरी को कंसिडर करते हुए दिमाग में बिठा लिया, तो अब अपन इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल फॉर्मेट में, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करके देगा। सबसे पहले कुछ ट्रेंड देखेंगे बेटा, कुछ ट्रेंड देखने हैं हमको, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्राफ रिविजन करने वाले तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए, टोटल प्रोडक्ट पहले 2 था, 2 से 5 हुआ, क्या बढ़ा वो? हाँ सर इंक्रीज हुआ। कितने से बढ़ा? 3 से बढ़ा। फिर सर 5 से 9 हुआ, क्या ये बढ़ा? हाँ सर बढ़ा, लेकिन इस बार 4 से बढ़ा। अब सर मेरे को बताइए 9 से 12 हुआ, क्या बढ़ा? हाँ सर बढ़ा, लेकिन धीमे से बढ़ा, 3 से ही बढ़ा। बड़ा केस के आगे, हाँ सर 2 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 0 से बढ़ा, -1, -2। तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एक जगह आके कांस्टेंट हो जाता है, फिर सर नेगेटिव हो जाता है। बढ़ रहा है सर यहां से लेकर यहां तक बढ़ रहा है, पर पहले 2 से बढ़ा, 3 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, सर पहले जोर से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर एवरेज प्रोडक्ट की बात करें सर, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा 2, 2.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7, 1.3। सर देखो पहले एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा, मैक्सिमम तक पहुंचा, उसके बाद गिरना चालू, बट योर एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। एवरेज कैसे निकलता है सर? टोटल डिवाइडेड बाय समथिंग, अगर टोटल ही नेगेटिव नहीं है तो एवरेज भी नेगेटिव नहीं आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात देखना बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 3, 2, 1, 0, -। तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बेटा आपका पहले इनिशियली बढ़ता है, कॉन्स्टेंट मैक्सिमम पे पहुंचता है, 0 तक भी पहुंचता है और नेगेटिव भी आ जाता है। अब इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में अपने को प्लॉट करना है। आई होप इट इज क्लियर गाइस।
जी सर, थैंक यू। अब इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट करने वाले, कुछ ये ग्राफ बनने वाला, पर मैं आपके साथ ग्राफ बनाऊंगा। पर इस ग्राफ को बनाने के लिए हम बैकग्राउंड करेंगे ब्लैक, ताकि हमारे पास आए एक फ्लोरोसेंट इमेज। ये ग्राफ ही आज का अपना टारगेट है, इसको जितना भी टाइम लगेगा अपन करेंगे, क्योंकि कल ये चैप्टर डन हो जाएगा। ये ग्राफ ही जान है इस चैप्टर की। हाँ सर, ग्राफ जान है। हाँ जान है। आइए सर, सबसे पहले अपन बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। सर, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, मतलब पहले बढ़ता है जोर से, फिर धीरे से बढ़ता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्लाइनिंग चालू हो जाता है। स्टार्ट करते हैं सर। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन गोस नेगेटिव। सर ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जोर से बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक धीमे से बढ़ा। सर जोर से बढ़ा, धीमे से बढ़ा कैसे समझ में आएगा? बहुत सिंपल है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। समझो यहाँ पे प्रेक्षा है, प्रेक्षा तुम्हें यहाँ से किसी ने धक्का दिया, ये वाले पॉइंट से यहाँ तक धक्का दिया, यहाँ पे ज़मीन है, इमेजिन करो यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ से यहाँ पर धक्का दिया वर्सेस यहाँ से यहाँ पर धक्का दिया, कहाँ पे ज़्यादा चोट लगेगी? समझो यहाँ पे सांप हैं, पत्थर हैं, बम है, ग्रेनाइट है, चाकू तलवार है, और यहाँ पर भी सर सब सेम चीज़ है। मुझे बताएंगे आप खुद ही आंसर दीजिएगा खुद को। मुझे बताएंगे आप कौन से एरिया में आपको ज़्यादा जोर से लगने वाली है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे। क्यों सर? ये स्टीपर है, ये स्टीपनेस बताती कि जोर से बढ़ा, और ये फ्लैटरनेस क्या बताती? सर बढ़ा लेकिन धीरे से बढ़ा। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ गया। सर आज आप सबको मारने पर क्यों तुले हैं? जान मैं तुम्हारी नहीं ले रहा हूँ, जान किसी और ने ले लिया तुम्हारी, एग्जाम आगे कर करके। चल लड़की, चाया से नहीं जाती, जा। तो ये है बेटा टोटल प्रोडक्ट का कर्व आपका, बहुत मजेदार पॉइंट्स आने वाले हैं। फिर आइए सर एवरेज प्रोडक्ट की ओर देखते हैं। एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, डिक्लाइनिंग चालू होता है, पर नेगेटिव वो भी नहीं होता। ये रहा आपका एवरेज प्रोडक्ट, बड़ा मैक्सिमम गिरना चालू। अगर आप शेड्यूल ध्यान से देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है मार्जिनल प्रोडक्ट का। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है और वो गिरना भी चालू हो जाता है, नेगेटिव भी होना चालू होता है, जीरो भी होता है। लेकिन खास बात यह है कि वो एपी कर को ऊपर से डसता है सर, वो ऊपर से डसता है, ऊपर से कट करता है एट इट्स मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, ये रहा सर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर। तो कुछ ग्राफ पे ध्यान देना है। ये एमपी कर्व है सर, आपको मैंने बताया एमपी मतलब मार्जिनल, मार्जिनल यानी कि उतावला। सर ये बढ़ता भी एकदम जोर से, गिरता भी एकदम जोर से। याद रखिएगा, एमपी कर्व कट्स एपी कर्व एट इट मैक्सिमम फ्रॉम अबव। सर वो उसको ऊपर से कट करता है, ठीक है? एमपी एपी को ऊपर से कट करता है, वो भी उसके मैक्सिमम पे। सर ये वाले पॉइंट के बाद ये भी गिरना चालू करता है, ये भी गिरना चालू करता है, ये वाले पॉइंट के बाद दोनों गिरना चालू कर देते हैं। तो भैया अब यहां पर आपका स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री आने वाला है। ये रहा आपका स्टेज वन और ये रहा आपका स्टेज टू। तो भैया स्टेज वन कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टेज वन सर जीरो से स्टार्ट हो जाता है। ख़त्म कहाँ पे होता है? जब एपी और एमपी दोनों गिरना चालू करते हैं, इसलिए इसको स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोला जाता है। दिस इज स्टेज टू
स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोला जाता है सर इसको डिमिनिशिंग रिटर्न? क्योंकि एपीएमपी दोनों गिर रहे हैं। इसको स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को जलाया जा रहा है सर। जलाया जा रहा है मतलब क्या सर? टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है तो ये स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न है। और स्टेज वन स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब कुछ और पॉइंट है क्या आपको यहां पर? क्या आपको ये पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम दिख रहा है? हाँ सर, जहां पे एमपी मैक्सिमम आप एक डॉट बनाओ, फिर सर एक ऐसी डॉटेड लाइन लेकर जाओ ऊपर। और सर यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ और इसको कहेंगे अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताता है कि यहां तक, ये वाले पॉइंट तक आपका टोटल प्रोडक्ट जोर से बढ़ा, इसके बाद सर ये धीमे से बढ़ना चालू हो गया, उसके बाद गिरना चालू हुआ। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये बताता है कि सर आपने जोर से कब तक बढ़ाया, ये प्रोडक्ट कब तक जोर से बढ़ा, इसके बाद सर धीरे से बढ़ना चालू हुआ। आर यू गेटिंग इट गाइस? सर ये मास्टर डायग्राम है इस चीज का। अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूजन्स वगैरह कल भी अपन ड्रॉ करेंगे। स्टेज टू कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टेज टू को कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्यों? यहाँ पे एपी और एमपी दोनों डिमिनिश होना चालू हो जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, स्टेज टू डिमिनिशिंग रिटर्न बिकॉज बोथ एमपी एंड एपी डिक्रीज है सर, दोनों के लिए। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पर ध्यान देना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये आपकी बुक में है। तीसरा पॉइंट, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। मैंने आपको ये बताया था जब MU जीरो, जब मैं जीरो टू मैक्सिमम, मैं डूबूंगा ते को भी गिराऊंगा, सेम गोस फॉर दिस। नेक्स्ट ध्यान से सुनना बेटा, जब AP इंक्रीज हो रहा है बेटा, AP इंक्रीज कहां से कहां तक हो रहा है? AP यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है। तो एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है जब एपी इंक्रीज होता है तब, ध्यान देना, एमपी इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज होना भी चालू हो जाता है। तो जब तक एपी बढ़ रहा है बेटा, जब तक एपी बढ़ रहा है तब तक एमपी बढ़ के गिरना भी चालू कर देता है। कैसे याद रखे सर? उतावला है। अरे एपी तो अब तक बढ़ ही रहा है, एमपी बढ़ के गिरना भी चालू कर दिया, कैसे याद रखेंगे सर? उतावला है। जब एपी गिरता है, एपी गिरता है सर यहां पे, तो एमपी भी कंपलसरीली गिरता है, ये भी याद रखना है आपको। सर जब एपी बढ़ता है तो एमपी बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, और जब आपका एपी गिर रहा है तब एमपी डेफिनेटली गिर रहा है। जब आपका एमपी नेगेटिव है टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग, सर मैं डूबूंगा ते को भी गिराऊंगा। जब मैंने जैसे आपको बताया था टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, सेम यहां पर भी जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाली है, लास्ट कंक्लूजन है, लास्ट पॉइंट है, हम कौन से स्टेज में ऑपरेट करेंगे? आर वी गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज वन, आर वी गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज टू, आर वी गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज थ्री? ना अगर मैं स्टेज थ्री में ऑपरेट करूंगा तो बेटा नेगेटिव रिटर्न आ रहे, टोटल प्रोडक्ट ही गिर रहा है, यानी ज्यादा काम करके कम एफिशिएंसी आ रही, कट करो। क्या स्टेज वन में ऑपरेट करना है, स्टेज टू में ऑपरेट करना है? काफी बच्चों का सवाल आता है सर स्टेज वन में ऑपरेट करना है। द आंसर इज हमें स्टेज टू में ऑपरेट करना है। स्टेज टू में क्यों ऑपरेट करना है, इसके लिए मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो आप 40 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, 8 ज़्यादा बोल दिया, एक काम करते हैं 4 घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे, ध्यान देना बेटा 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे, 40 नहीं, तुम्हें 40 की कीमत नहीं, 28 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पर आर तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 7 मार्क्स पर आर एवरेज आ रहा है सर, एवरेज 7 मार्क्स आ रहा है। अगर तुम 6 घंटा काम कर रहे हो,
6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को मॉडिफाई करने तो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई, कितना होता है 9, और अगर तुम 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें आ रहे हैं 42 मार्क्स। मुझे बताओ तुम 4 घंटा पढ़ाई करोगे या 6 घंटा पढ़ाई करोगे, तुम्हारे सीए की एग्जाम है सर। अगर तुम 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 36 मार्क्स पर आवर, 9 मार्क्स, 6 घंटा पढ़ाई करते हो तो 42 मार्क्स। यानी कि सर पहले के 4 घंटे गाड़ी 9 की स्पीड से बढ़ी, लेकिन सर उसके बाद गाड़ी धीमे हो गई, पर क्या मुझे गाड़ी आगे लेकर जा रही है? यस सर, गाड़ी मुझे आगे लेकर जा रही है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, मैं 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे मार्क्स आ रहे हैं 30। तो यार यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करके कम मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे तो कट ही कर दो। सर यार 4 घंटे पढ़ के 36 मार्क्स आ रहे, तेजी से बढ़ रहे सर, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, एकदम स्पीड में बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे ग्राफ के फॉर्मेट में बढ़ाओ तो सर अपन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। सर इसके बाद आपकी स्पीड स्लो हो गई मैं मानता हूं, पर आगे तो बढ़ रहे हो ना। सो एज लॉन्ग एज आपका टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, करते रहो सर। स्पीड स्लो भी हो जाएगी तो भी आपको बढ़ना है, सर स्पीड स्लो भी हो जाएगी तो भी आपको बढ़ना है, क्योंकि आप एटलीस्ट आगे तो बढ़ रहे हो। समझो बेटा आपकी डेस्टिनेशन है ये, आपकी डेस्टिनेशन है ये, यहां से यहां तक आप स्पीड में जा रहे हो, इसके बाद स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्या आप रोक दोगे गाड़ी वहां पे? नहीं सर, पहले चलाएंगे स्पीड में गाड़ी। सर देखो यहां से यहां तक मस्त स्पीड में गाड़ी चलाओगे, ठीक है, स्पीड में गाड़ी चला रहे हो सर, फिर सर इसके बाद आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, स्पीड स्लो हो जाएगी पर आप जाओगे तो सही ना आगे। सर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पीछे गाड़ी रिवर्स आएगी, तो भैया रिवर्स का स्कोप नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, चालू रखो प्रोडक्शन। सो स्टेज 2 पे हम ऑपरेट करते हैं। स्टेज 2 को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेज 2 को बोला जाता है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसलिए इस लॉ का नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी है। आई होप दिस मच इज क्लियर। कल अपन और इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ये ग्राफिकल फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू यू। तो अब आप मुझे कोई डाउट है तो पूछेंगे। हमारे लिए आज के लिए इतना टारगेट हमने कंप्लीट करा, आइडियली ये कल हो जाना चाहिए था। इसकी सारी कंक्लूजन कल ख़त्म कर देंगे बेटा अपन, रिलेशंस भी इसके सारे इस्टेब्लिश कर लेंगे, सारे रिश्ते इसके जायज नाजायज देख लेंगे, लॉन्ग रन का भी हो जाएगा। देन डे आफ्टर इट वी विल कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ वी आर गोइंग टू कंप्लीट ये वाला चैप्टर। कौन सा वाला सर? कॉस्ट वाला। एंड डे आफ्टर दैट यानी फ्राइडे सैटरडे को ये कंप्लीट होगा, वेंसडे ना, थर्सडे, फ्राइडे को कंप्लीट होगा, सैटरडे को आपकी क्विज होने वाला है और संडे को भी एक क्विज होने वाला है। तो भैया रिवॉर्ड्स आर इंक्रीजिंग, दैट्स इट फॉर द डे। कल बिल्कुल मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, आज मेरी रिकॉर्डिंग 36 मिनट्स की हुई, कल से अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, चर्चा का सेशन अलग रखेंगे, चाय पे चर्चा अलग रहेगी, वो स्टॉक मार्केट के टाइम बात किया करेंगे। चलिए जी, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9:30 बजे BC के है, सर इफ लैंड इज टेकन ऑन रेंट सो इट विल कम इन टू वेरिएबल एज इट कैन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। नहीं इद्रिस, अगर तू ये चीज कर पा रहा है लैंड, क्या वैसे तो तू अपनी बिल्डिंग को भी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अगर तू ये कर सकता है तो तू लॉन्ग रन में, ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में। तो तुझे ऐसा नहीं है कि भैया 1 साल बाद लॉन्ग रन में जाऊंगा, इफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर तू पहले ही दिन से, अगर तेरे पास कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, तू हर चीज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, डे 1 से तू लॉन्ग रन में। सर क्या इस लॉ को डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं की बात नहीं, अगर बोला है तो बोलना, नहीं बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से अपन कुछ नहीं बोल सकते। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न भी बोलते हैं। ऑल क्लियर सर। स्टेज 2 कहाँ पे एंड होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाना चालू हो जाएगा या फिर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। देखिए भैया अपन स्टेज 3 वहां पर आएगा ना जब नेगेटिव होना चालू हो गई ये चीजें, हम नेगेटिव में क्यों ऑपरेट करेंगे?
यहाँ से नेगेटिव होना चालू हो गया स्टेज 3। सर यू को एंड बी सी के का मिक्स या अलग अलग? अलग अलग। सुदेश मैं बहुत नाराज़ हूँ तुझसे, तू आजकल दिखता नहीं है। सर मार्केट वाले चैप्टर के लेक्चर देखे मज़ा आ गया। हाँ थैंक यू सर। मैं आपको कॉल कब करूँ? आफ्टर बी सी के। सर अब की बार इकोनॉमिक्स में आदित्य सर की शादी के नाम। चलिए जी बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। अरे अब कोई जेन्युइन डाउट है तो पूछो। और ये कितना मस्त प्रेजेंटेशन दिखता है अलग अलग कलर के साथ, भारी। एम यू उतावला है, रूल नंबर 1 एम यू उतावला है। वो यहाँ पर जोर से बढ़ता है जोर से गिरता है, और सर कॉस्ट में जोर से गिरता है जोर से बढ़ता है, वो उल्टा है। अब नहीं है यार सच में, पेपर बर्थडे के दिन नहीं। सर रेस्टोरेंट में चला लेता हूँ अब ड्रीम। अरे क्या उसके के ऊपर कितने मीम्स बन रहे हैं, कितने हद मीम्स बन रहे हैं, खतरनाक। सर वॉट इट मीन्स दैट फिक्स फैक्टर आर डिविजिबल एंड नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि आप फिक्स फैक्टर को ब्रेक नहीं कर सकते हो, मिनिमम इतना लेना ही पड़ेगा, मिनिमम इतनी रेंटेड प्रीमाइस है, आप इससे कम नहीं कर सकते। आपने सबसे छोटे से छोटा पार्ट लिया है, मैंने 50 लोगों की कैपेसिटी का लिया था, उससे छोटा नहीं ले सकता, उससे छोटा पॉसिबल नहीं है, सबसे छोटे से छोटा ले चुके हैं ऑलरेडी अपन। अच्छा सर स्कैम क्या होता है ये बताओ। स्कैम घोटाला, घोटाला अति सुंदर ग्राफ। आप मेरा एक बार ग्राफ मैराथन देखो, एंड मैं आपको बता दूं ग्राफ मैराथन की शुरुआत करने वाले हम, ग्राफ मैराथन के रचयिता कौन है? हम हैं। और अब ट्रेंड चालू हो गया ग्राफ मैराथन का, मेरे को किसी ने बताया कि भाई ग्राफ मैराथन चालू हो गया। सौ किलो शक्कर वाला एग्जांपल सर, ग्राफ बहुत इजी लग रहा है। हाँ जी इसी पे क्वेश्चन आते हैं, वो बोलते हैं ऐसे पूछते हैं तुमसे, जब मार्जिनल प्रोडक्ट, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो क्या मार्जिनल प्रोडक्ट गिर सकता है? ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। हाँ वी आर द फाउंडर, यस वी आर फाउंडर। जैपनीज सिंगर को बैन, जैपनीज स्विमर को बैन कर दिया क्योंकि वो मैरिड था लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में लेकर गया। तो हाँ हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे लोग भी आते होंगे शायद। महाराष्ट्र और आंध्र में बहुत भयंकर बारिश है। सर बीसीए का नेक्स्ट रिवीजन कब होगा? कौन सा रिवीजन? अब कौन सा रिवीजन करवाना है? टेस्ट होने वाली है अब तो। सर मुझे अवार्ड नहीं मिला क्विज में बट मज़ा आया। अब अगली बार बेटा 6 टेस्ट और है, अब तो अवार्ड के लिए कुछ तो करो। सर FM इको का डेमो मस्त है सर। अच्छा अच्छा आपने डेमो भी देख लिया आगे के? अच्छा हाँ तू लाइव में था, राइट राइट। बहुत मज़ा आया सर आपके एग्जांपल में। तुम तो जल गई हो, निकालो इसको तंदूर से बाहर निकालो, तंदूर कांड हो जाएगा नहीं तो। सर क्वेश्चन में पूछा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न किसको बोलते हैं? आंसर क्या होगा? स्टेज 2 को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। सर ग्राफ मैराथन के ऊपर मेम बेचता हूँ। हाँ भेजिएगा ज़रूर। सर आप मैक्सिमम है तो स्टेज 1 में होगा या? सर AP मैक्सिमम है तो स्टेज 1 में होगा या सेकेंड में? जहाँ पे AP मैक्सिमम है बस एग्जैक्ट वहीं पे कट आ रहा है। AP मैक्सिमम ना ही स्टेज 1 में ना ही स्टेज 2, जहां मैक्सिमम वहां से स्टेज 2 चालू हो रहा है या फिर स्टेज 1 खत्म हो रहा है। चैप्टर 4, 5, 6 BCK का बाकी है। मैंने कुछ नई नई ट्रिक्स बनाई है BCK के चैप्टर 3 की। इनफैक्ट नॉट मैंने, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, कुछ इंटरनेट पर मुझे अच्छी ट्रिक्स मिली। वो ईयर याद करने की ट्रिक्स घटिया है बेटा, कुछ अच्छी ट्रिक्स मिली है। कम से कम 15-20 कंपनी तो तुमको याद हो जाएगी, नई ट्रिक्स बताऊंगा। सर ये टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल ये वाले पार्ट से आते हैं, ये इतना पार्ट जो करवाया ना इससे न्यूमेरिकल आएंगे। सर ये टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आते हैं। सर आपका क्या ओपिनियन है एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का? अब नहीं होने चाहिए श्वेता, अब तो नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं दिल्ली में बैठ जाएगा धरना लेके छाती पीटते हुए कि नहीं अब तो बहुत हो गया है। सर आपने स्टॉक मार्केट कहाँ से सीखा?
मैंने मेरे सीनियर से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो कैब में बैठे बैठे हम लोग मतलब क्लाइंट प्लेस पे जाते थे तो वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते थे तो मेरे को भी बोलते थे तू भी इन्वेस्ट कर ले। सर आज ही बता देना प्लीज़, क्या बता देना है आपको? जितेंद्र गोयल ने क्या पूछा है? सर प्लीज़ बताना ना, पैन कार्ड पापा का है सो नेम एंड डेट पे अपना लगा है, सिर्फ पापा का, सब पापा का लगेगा बेटा, जिसका कार्ड उसी का अकाउंट। सर हम आपका साथ देंगे धरने में, बिल्कुल आप निकालना बता दो फिर से सर, एपी निकालना बता दो फिर से सर, एपी निकालना बता दो बेटा। एपी इंक्रीज होता है मैक्सिमम पे पहुंचता है, तुम इसका शेड्यूल देखो, एपी बढ़ता है मैक्सिमम होता है गिरना चालू हो जाता है सेम क्लियर। बढ़ता है मैक्सिमम पहुंचता है गिरना चालू होता है, जब वो मैक्सिमम पे रहता है वहां पे स्टेज वन खत्म, क्योंकि मैक्सिमम के बाद गिरना चालू हो गया नहीं डिमिनिशिंग हो गया, डिमिनिशिंग का मतलब है सेकेंड स्टेज। जरूर जरूर मिलिएगा, निकालो यार तुम लोग कितने ढीले हो, इतना तुम्हारे को टीचर करके दे रहा है ठीक है, वो भी मैं कितना जेन्युइन हूँ, नहीं तो तुम्हें स्टॉक मार्केट की तरफ से 1000 टिप्स आएगी तो 1000 टिप्स आती रहेगी, क्या करोगे उसका? यहाँ पे जेन्युइन पर्सन तुमको इंटरेस्ट के साथ बोल रहा है जिसमें मेरा तो कोई फायदा है ही नहीं। सारी कंपनीज का नहीं करूँगा मैं, अलग से यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाँच पाँच छः छः कंपनी का कंपाइलेशन कर रहा हूँ मैं, कंपाइलेशन वीडियो दूंगा, क्योंकि हर कंपनी की नई नई ट्रिक्स पता चल रही है, मेरे इंटरनेट से पता चल रही है, तो मैं खुद तो कुछ अपनी भी बना रहा हूँ। जैसे कि एक नई ट्रिक मेरे को पता चली मैं आपको बताता हूँ, याद है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक की एक नई ट्रिक पता चली आपको, पता है एक्सिस बैंक तो सर 1993 में बना था, इसकी एक नई ट्रिक पता चली है। नई ट्रिक ऐसी है कि एक्सिस बैंक 1993 में फॉर्म हुआ और ये बैंक पूरा का पूरा खाली बैठा हुआ था, पूरा का पूरा खाली बैठा था, यहाँ पे जो चेयरमैन है, चेयरमैन यानी चेयर पे बैठा हुआ, वो मक्खी मार रहे थे, मक्खी मार रहे थे। याद करने का टेक्निक, सर 1993 में बैंक फॉर्म हुआ, बैंक तो वैसे भी बॉम्बे में होते हैं, अब सर ये बैंक पूरी तरीके से खाली बैठा था, इसके पास पैसा ही नहीं था, बिल्कुल पैसा ही नहीं था इसके पास, खाली बैठे थे चेयर पर, मक्खी मार रहे थे, इसलिए इनके चेयरमैन का नाम निकला राकेश मखीजा। ठीक है ठीक है, राकेश मखीजा पहले मक्खियां मार रहे थे, पैसा ही नहीं था बैंक में, तो इन्होंने 12,500 करोड़ रुपए बैंक से लिए। अब जैसे ही 12,500 करोड़ रुपए आ गए, ये बैंक की वैल्यू बढ़ गई, इसमें आ गए अमिताभ जी, लंबे हैं ना अमिताभ जी, अमिताभ जी आ गए और उनके साथ जयराम श्रीधरन, जया मैम भी आ गई। नई ट्रिक बनी है इसकी, तो चेयरमैन मक्खी मार रहे थे, पैसा नहीं था, 12,500 करोड़ का QI मिला है, 1993 में बैंक फॉर्म हुआ। ठीक है अब ये चीज़ याद रखिएगा सर, दो चीज़ें और इसके अंदर क्लियर होती है 1993 से, ये बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और 1+9 टेन, टेन इसकी सब्सिडरीज है, नई टेक्निक्स में बनाते जा रहा हूँ। ठीक है तो बहुत चीज़ें क्लियर हो गई, थ्री थ्री का मतलब क्या हो गया सर, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, 1+9 टेन सब्सिडरीज है, मक्खी मार रहे थे सर, पैसा नहीं था, मक्खी जा, पैसा आया तो बैंक की वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो अमिताभ साहब से ऐड करवाई, पर जया मैडम उनके साथ 1+1 में फ्री आती है। ठीक है तो ऐसी और ट्रिक्स बनते जा रही है, तो बनाता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा बना रहा हूँ मैं, तो एक साथ वन टेक में नहीं होगा, मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं शॉर्ट वीडियोस बना के डालते जाऊंगा। तो ये टेक्निक मेरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें अमिताभ, जया, पैसा और ये मेरा है, ये मखीजा वाली टेक्निक मेरी नहीं, किसी और की टेक्निक है ये। ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से कौन सा? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडिंग कम करता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट ज़्यादा करवाता हूँ बेटा। हो गया, चलिए जी मिलते हैं, बाय वन गेट वन, ठीक है। अच्छा मैं मार्केटिंग या प्रमोशन नहीं कर रहा, पर मैंने उसमें सुपर चैट ऑन कर दिया है, तुम अगर कुछ अच्छा से देना चाहो तो मैं वही पैसा निकाल के उसी से गिफ्ट देने वाला हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो निकालू, बस बता दिया है कि ओपन कर दिया है। चलिए जी अपन मिलते हैं 9:30 बजे, है ना, 12 मिनट में, बाय।